हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं हो चुकी हूँ रेडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज मैंने मम्मी बनाने जा रही है समोसे। नहीं, मोमोज बना रही है मम्मी, ग्लूटेन फ्री आटे के। ओके, ग्लूटेन आटे के फ्री, ग्लूटेन मम्मी ना, ग्लूटेन आटे के वो करने जा रही है मम्मी। आप थोड़ा कुछ बोलोगी कैसे आटे के है, मैं तो भूल ही जाती हूँ हर बार। आवाज़ दो अपनी, किसका? ग्लूटेन आटे के, ग्लूटेन आटे के स्टीम मोमोस, स्टीम मोमोस बनाने जा रही है, वो भी पनीर वाले, घर के पनीर के। चलो अच्छा है, मम्मी घर के पनीर के बनाने जा रही है। बाजार का पनीर अच्छा नहीं होता, या अमूल का पनीर अच्छा होता है ज़्यादा से ज़्यादा। डॉक्टर ने मुझे, वैसे डॉक्टर लोग भी अमूल का ही पनीर कहते हैं, जब भी कहते हैं, आपने सुना होगा कि कहते हैं कि अमूल का पनीर खाओ तो सबसे अच्छा है। और मैं अमूल का ही पनीर यूज़ करती हूँ खाने में। एंड मम्मी ने मोमोज बनाए, बड़े टेस्टी बनाए हैं ये। मैंने तो 3 या 4 खाए, 2 तो रख दिए। क्या अब मम्मी बनाएगी? और मम्मी आपने क्या बनाया था? कुछ बनाया था? खा लिया, मोमोस बनाया है और चटनी रेड वाली, जो सूखी मिर्च को पीस के बनाई जाती है, उसके अंदर लहसुन अदरक, नहीं अदरक नहीं, टमाटर, लहसुन टमाटर का बनाई जाती है, बड़ी प्यारी बनती है। चलो मम्मी बना रही है और फिर आगे हम बताते हैं आपको कि कैसे बनाई है मम्मी ने खा के। चलिए रेसिपी देखते हैं मम्मी की। अरे मम्मी आप क्या बना रहे हो? मुझे बोला था ना मोमोस, ये ग्लूटेन फ्री मोमोस है। हाँ, अच्छा ठीक है, ग्लूटेन आटे के मोमोस बन जाते हैं? फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पता नहीं। वेरी गुड। अच्छा वो कौन सा ऑयल है? रिफाइंड ऑयल। चलिए एक मोमोस डल रहा है इसमें। मम्मी उसका बनाया है ना अपने, जैसे वो बनता है क्या कहते हैं उसे, जो होली में खाते हैं, भुजिया सांचे में, ऐसे हाथ से बनाओगे तो बिल्कुल टूट जाएगा। अच्छा हाँ, ये सॉफ्ट आटा होता है ना, ये बनना बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट। देख ली, पूरा कर दिया मैंने, चैलेंज लगा रही है मम्मी। चलिए अब तेल से बनवाऊंगी अब किसी दिन। हाय रब्बा, पनीर में लपेट के बनता है? हाँ। मम्मी रेड रेड क्या है? चटनी है? हाँ, मोमोस चटनी। मोमो चटनी, वो लाल मिर्ची को पीस के बनाई है क्या? हाँ। अच्छा, टमाटर लहसुन और क्या क्या है? अच्छा मम्मी, मोमोज को स्टीम दी जाएगी ना? बस करो, मोमोज काफ़ी है, मेरा पेट भर जाएगा इतना। फ्राई करके खा लियो बाद में। हाँ, आधे फ्राई आधे स्टीम मोमोज। स्टीम खा ले, शाम को फ्राई वाले खा ले। हाफ प्लेट स्टीम कर देना और हाफ प्लेट फ्राई कर देना जी। हाँ। कितने के हो गए? 40 रुपए लगा लो दोनों के। अच्छा जी, ये तो और महंगे आते हैं, ग्लूटेन फ्री वाले। ग्लूटेन फ्री मोमोज आज खाएंगे हम। क्या क्या डाला है अंदर? पनीर और प्याज और पनीर। किस दिन बंद गोभी में डाली होगी? नहीं डाली। ओके, सिर्फ पनीर पनीर पनीर, ग्लूटेन फ्री आटा। मम्मी मोमो स्टीम कर रहे हो? हाँ। कितनी देर? कम से कम 20 मिनट। 20 मिनट नीचे पतीले के पानी है ना? और फिर ऊपर इसको स्टीम करा है। ओके डन। मम्मी ने मोमोज बना दिया आज, ग्लूटेन फ्री मोमोस है ये। देखिए कैसे कलर के बने हैं, ब्लैक कलर के, ब्राउन ब्राउन से है। एक दिखाऊं? ये देखिए
ग्लूटेन फ्री आटा और ये चटनी है। बड़े क्यों अच्छे बनाए हैं, चटनी के संग खाते हैं अब हम भी। मम्मी ने आज मोमोज तो बड़े ही टेस्टी बनाए, आपने देखे हैं ग्लूटेन फ्री आटे के कितने प्यारे मोमोज बना दिए मम्मी ने। मम्मी मोमोज तो बन गए हैं, एक काम तो अधूरा रह गया जो कि आप बोलोगी क्या काम अधूरा रह गया। मम्मी बताओगे आप क्या काम में अधूरा कह रही हो कि क्या काम अधूरा रह गया। मोमोज तो खिला दिया आपने, मैं नहा भी दी, उसके बाद क्या अधूरा रह गया। तो चुप हो जा, मैं समझ गई जो तू कह रही है। चाय, मेरे को चाय पीनी है, ठंड लग रही है और पता है इतनी कड़क धूप नहीं है आज, न्यू ईयर तक तो निकलनी नहीं है धूप अच्छी खासी, ऐसी मौसम रहेगा सड़ा सा सड़ा सा। और मम्मी चाय बना लूँ, आप पियोगे थोड़ी देर में? नहीं अभी, फिर मैं धूप सेकने जा रही हूँ एंड कपड़े को वो करने ड्राई, जो आधे कपड़े रह चुके हैं हमारे उनको ड्राई करने हैं एंड मैं धूप सेकूँगी। और आज मैंने हाईनेक पहने हैं, अंदर एक टी शर्ट मैंने ऐड करी है उसके अंदर पतली, अभी हाईनेक ना अक्सर चुभता है पहनने में तो फिर मैंने ऐड किया उसके साथ एंड अभी कॉम करनी है बालों में, जो कि अभी कॉम मैंने करी नहीं है। और मेरा लुक तो अच्छा ही लग रहा होगा, देखिए मम्मी ना समोसे बड़े टेस्टी बनाए थे, मैं तो कहती हूँ आप भी बना के देखिए घर में। हाँ मोमोज, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि समोसे कह देती हूँ, आपने समोसे भी घर बनाए थे ना, तो याद ही नहीं रहता समोसे मोमोज समोसे मोमोज ये बनते रहते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं कल की डिश आज बोल रही हूँ और जो आज बनी है वो भूल रही हूँ मोमोज की। मम्मी अभी आपने स्टीम मोमोज बनाए थे ना, आप फ्राई मोमोज कर देना उसे, बड़ा ही मज़ा आएगा खाने का, फ्राई मोमोज इज बेस्ट। और मम्मी अब मोमोज को ना आप शेप देख के बनाना जैसे वो नेपाली लोग बनाते हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं खाने में वो वाले मोमोज तो, जो नेपाल नहीं बने आपके आटे के बनेंगे, एक बार मेरे यूट्यूब फैमिली को दिखाना आपके आटे के तो बनेंगे ना, ग्लूटेन वाले आटे जो नॉर्मल आटा होता है उस आटे के मोमोज बना के आपको दिखाएंगे हम, कि वो जो नेपाली लोग बनाते हैं ना टेढ़े मेढ़े शेप देते हैं बड़ी मोमो उसकी तरह, जो गणेश जी खाते हैं उसकी तरह मोदक की तरह बड़े टेस्टी लगते हैं मोमोज भी। मम्मी वैसे शेप में बनाना कभी ना, मैं ना यूट्यूब फैमिली को देना चाहती हूँ। और मैं धूप सेकने जा रही हूँ, ठंडी लग रही है, पापा आएंगे तब जाके चाय मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। पापा जल्दी आए, आप पापा भी ना, पापा का भी ब्लॉग है शशिराज राइडर, वो ब्लॉग बनाने गए आज पता नहीं कहाँ गए हैं, जो कि मुझे नहीं लेके गए और मेरी ना सेल्फी स्टिक ले गए जिससे मैं ना ये ब्लॉग बनाती हूँ। बड़ी चालू है इंसान शशिराज राइडर नाम से है ब्लॉग, पापा का ब्लॉग राइडर है और वो कई जगह पे गए हैं, बद्रीनाथ वहाँ तक गया बाइक पे, बड़ा अच्छा ब्लॉग है उनका देखना। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी टाइम बाद। मम्मी मैं छत में जा रही हूँ धूप सेकने एंड जो मैंने आपको पानी गर्म लगा रखा है ना वो आप हटा देना, ठीक है? मैं जा रही हूँ बाहर और आपसे भी मिलती हूँ मैं, बाय बाय। हेलो गाइस, आज बड़ी भूख लग रही है, देखा जाए कि क्या बनाया है मम्मी ने खाने में। मैं टेरेस पे गई थी तो पता नहीं पीछे से मम्मी ने खाने में क्या बनाया आज, मम्मी कह रही है वैसे मैंने दाल चावल बनाया है, देखती हूँ जरा कैसे बनाया है, अच्छे बनाए कि नहीं और खा के बताएंगे। मम्मी ने बनाया है दाल चावल, कह तो रही है मम्मी यही कि दाल चावल बनाया मैंने। ये कौन सी दाल है मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, रुक जाओ। मम्मी ने दाल बनाई है, ये कौन सी दाल है
वाओ, एक चीज और बनाई है मम्मी ने, ये देखिए आलू चोखा कहते हैं इसे। एक ये बनाया, ये दाल बनाई है, ये राइस बनाया मम्मी ने। वाह, मम्मी को क्या हो गया, मम्मी ने दाल चावल और आलू चोखा की सब्जी बनाई है। वाह, मम्मी को क्या हो गया, आज खाना चटपटा बनाया है। सुबह मोमोज बनाए थे ग्लूटेन फ्री वाले, अभी बनाया दाल, रोटी भी बना देगी मम्मी। मम्मी से पूछते हैं मम्मी को क्या किया। मम्मी आज आपने कितना सारा कुछ बनाया खाने में, आज आपको क्या हो गया? नहीं, सिर्फ दाल चावल बनाए। हाँ, नहीं तो रोज कल की या तो मिक्स सब्जी बना देगी इतनी बोरिंग सी, या पता नहीं वो ग्रीन ग्रीन सा वो कल परसों तुमने क्या बनाया था, लंबे लंबे जो मटर टाइप दिखते हैं जो ग्रीन कलर के बनाए थे आपने, वो ग्रीन कलर के जो मटर टाइप लगते हैं, सेम की फलिया, वो कोई खाने की चीज है ये, सेम की फलिया। आज थोड़ा धंगा बनाया है दाल मम्मी, पीली वाली है अच्छा, और इसमें पिंक कलर वाली भी दाल मिक्स है, पीली वाली और पिंक वाली। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, कहते क्या है इस दाल को, मुझे ये नहीं पता, आपको मम्मी को भी नहीं पता दाल का नाम। गाइस है लाल और पीली, इसका नाम भी तो होता है, ऐसे तुम्हें भी कह देंगे गोरी मम्मी, काली मम्मी, जो काली मम्मी हुई उसको काली मम्मी बुलाएंगे। अरे यार, मम्मी को दाल का नाम नहीं पता, शादी को इतने साल हो गए हैं, खाना का नाम ही नहीं पता। आपकी मम्मी ने क्या सिखाया आपको? लोग कहते हैं कि लड़कियां सीख के आती है घर से, पर हमारी मम्मी को तो दाल का नाम ही नहीं पता। ऐसे भी होना चाहिए क्या, खाने का नाम ही नहीं पता, इतनी प्यारी प्यारी चीजें बनाई है। काली माँ की दाल मेरी फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, और राजमा चावल है मनोहर है, नाम मत लो कब से नहीं खाए राजमा चावल, कढ़ी चावल। और मुझे क्या क्या पसंद है, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, कोई बनाता ही नहीं है, क्या बनाऊं? आज शनिवार है, सर मंदिर जाना है शनिदेव जी की पूजा करने, आज शनिवार है, सर मंदिर जाएंगे हम लोग आज। मंदिर में काफी भीड़ होती है, पता नहीं ब्लॉग बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी, ये मम्मी जाएगी अकेली, देखते हैं कौन जाएगा। चलिए जैसा होगा मैं आपको बता दूंगी आगे। चलिए मैं आपको खा पी के मिलती हूँ, कम से कम दाल चावल आलू का चोखा। आपके मुंह में पानी आ गया क्या, बोलिए। गाइस, आपको खाना देख के पानी आ जाएगा मुंह पे, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, दाल चावल आलू चोखा, वाओ सो नाइस। देखिए दाल आलू चोखा राइस, टेस्टी टेस्टी खाना खाइए, वाओ। मम्मी सॉक्स तो बड़ी प्यारी है, ये आपने बनाई है कितने दिन में? 3 दिन में। वाह, मजा आ गया। चलो मम्मी ये मार्केट जा रहे हैं, हेलो भाई, हम मार्केट जा रहे हैं और मम्मी संग जा रही है मार्केट, कुछ सामान लेना है हमें, और देखते हैं और आपको मार्केट की शॉपिंग करवाऊंगा आज। चलो मम्मी आ जाओ, हम यहाँ घर के पास ही छोटी सी मार्केट है, बस नहीं कहीं सामान लेने के जा रहे हैं, और फिर आपके पापा की कुकिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खाना पापा बनाएंगे और हम लोग खाएंगे। चलो मम्मी जल्दी आओ, अभी तक नहीं आई मैं, आ जाओ। अब गुरुद्वारे, हाँ चलो गुरुद्वारे चलते हैं, चलो मैं स्टोर ले लेती हूँ, फिर चलते हैं हम लोग। बोली तेरे भाई ब्लू कलर का स्टोल था छोटा सा। चलिए मैंने स्टोल भी ले लिया, गुरुद्वारे में चाहिए होता है ना, और मम्मी भी चल रही है। अभी देखो
शनि जी की पूजा करने आए हैं हम लोग। मम्मी पूजा कर रही है शनिदेव जी की, और देखिए कितना जगमग जगमग हो रही है, दिया कितने प्यारे लग रहे हैं। मम्मी तेल डाल रही है शनिदेव जी को, अब मम्मी और पूजा कर रही है, मम्मी ने कुछ भगवान जी को चढ़ा रही है और फूल की माला डाल रही है मम्मी गले में। चलो शनिदेव जी को जो दिया दिखा रही है मम्मी। चलो पूजा हो गई, आप सब भी हाथ जोड़िए और साईं बाबा जी के चरण, कितने प्यारे लग रहे हैं साईं बाबा जी वाइट ड्रेस में, और देखिए सारे भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं। लाइटिंग जलती है ना तो अलग सी रौनक आती है मंदिर में, मतलब रोशनी काफ़ी हो जाती है, कैमरा धुंधला हो जाता है। कितने प्यारे लग रहे हैं भगवान जी, और आप लोग भी विश मांगी है भगवान जी से, और मेरी YouTube फैमिली खुश रहे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ, मम्मी जा रही है और ये मैं। चलिए मंदिर खाली था, बिल्कुल भीड़ नहीं है। हनुमान जी को जय बोलो, जय हनुमान जी, जय शंकर, जय देव जी। मम्मी चरण को छू रही है, कितनी भीड़ है यहाँ पे। शनिदेव जी के पास भीड़ थी तभी शनिदेव जी की पूजा हो रही है। हम लोग गुरुद्वारे में पहुंच गए हैं, दर्शन करेंगे अब गुरुद्वारे में। बस देखिए कितना प्यारा लग रहा है गुरुद्वारा, अखंड पाठ चल रहा है। देखिए पूर्ण कबूल डोसा पूरा किया प्रभाप जिन चढ़ सुया नानक होत न काट कौड़ी पूर्ण महापुर प्रवेक कर पान सुब्रत जी जंत ने आप रूप कबू पर जाका हाथ गुण दान गोविंद गुर किया जाका हो रे अंतर जामी पत जान। गुरुद्वारे में अच्छे दर्शन हो गए और तीन दिन का अखंड पाठ है वहाँ पे गुरुद्वारे में, और तीन दिन के बाद है ना लंगर लंगर होगा और काफ़ी भीड़ होती है उस दिन और प्रोग्राम अच्छा होता है। चलिए अभी हम मार्केट जा रहे हैं। बेकरी का सामान, बेकरी का सामान, एक वैसे ले लो और फैन, फैन ये वाला ले लो, ये लंबे है, ये छोटे है, ये वाला ले लो दिखा ना। ये कितने के है, ये वाला कितने का है भैया, ये कितने का पैकेट? 60 रुपए का है। और ये 35, वो बड़ा भी है ना, बहुत बड़ा है, खाया भी नहीं जाएगा एक पूरा। चलो जो लेना है वो ले लो, और रस ले लेना और नमकीन।
मिर्ची वाली नमकीन ले लो ना, ये वाली। क्या देख रहे हैं? यहीं से ले लो, उधर से दोगे? कितने का है ये? एक ही वाला नमकीन। कौन सी ले रही है? ये ले लो ना पापा के लिए। बेसन वाले बिस्कुट दे वाले आटे वाले वो साथ एक एक मूंगफली ले लो पापा के लिए। नहीं ये वाले दे दो, बीच वाले। मम्मी चना का क्या? मार्केट में हम घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मार्केट अच्छे खासी सज रखी है, देखो कितना अच्छा लोअर है, बिल्कुल कंबल जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट है, गरम गरम है। ये ब्लू वाला तो सबसे ज़्यादा अच्छा था, और कोई मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, जो कि वो ब्लू वाला ही अच्छा लगा। एक ये बीच वाला ब्लू वाला भी अच्छा था, स्टार वाला, और बस मुझे और कोई पसंद नहीं आया ना ही, और कोई पसंद नहीं आ रहा। मम्मी को पसंद आ रहे थे पर मुझे नहीं आ रहे थे ना। अब हम इस शॉप में आए थे राधा रानी के एयरिंग्स लेने, हमें मिले ही नहीं एयरिंग्स यहाँ पे, अच्छे नहीं मिले, कुछ भी अच्छा नहीं मिला शॉप में, तो मज़ा ही नहीं आया। दुकान वालों को भी नहीं पता कि यहाँ पे सामान कहाँ रखा है, हम लोग तो थक गए ढूंढ ढूंढ के इन लोगों ने, तो कितना अच्छा ही गोल सा वो है लोग के साथ। वाओ सो नाइस, कितना अच्छी डेकोरेशन हो रखी है मैरी क्रिसमस में, देखिए गाइस कितनी अच्छी ट्री है, सजावट अच्छी हो रखी है, और मार्केट में घूम रहे हैं। आज मार्केट डे बना रहे हैं हम लोग, मार्केट में घूमा जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है। बस अभी घूम रहे हैं, राधा रानी के एयरिंग्स लेने हैं हमें, जो कि अभी हम आगे देख रहे हैं, कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे देख रहे हैं हम राधा रानी के एयरिंग्स, जो कि बिंदीस मैंने राधा रानी के लिए देखी पर कोई अच्छी नहीं लगी, नग वाली चाहिए थी मेरे को, वैसी कोई मिली ना, इसलिए ली नहीं बिंदी तो मैंने, नहीं ये नग वाली नहीं है, नहीं कानों के लिए बाली देख लेते हैं अभी तो फिलहाल, उसकी ज़रूरत है, हमने बाली देखनी है राधा रानी के लिए ना छोटी सी। इनमें से कोई देख रहे है जो पसंद आ रही है? चलो बाली देखते हैं, और भी कुछ देख रही थी मैं अपने लिए, ये बाली पसंद आई है हमें, ये ले ली हमने, डन हो गया। चलो भैया ये दे दीजिए, और हमने ले लिया, ये हमारे हाथ में आ चुका। और एक क्लचर्स थे जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगे मुझे, बिल्कुल बकवास, और इसलिए मैंने लिए नहीं। और आगे निकले हैं हम, कुछ और शॉपिंग कर रहे हैं, देख रहे थे कुछ अच्छा लगे तो, क्रिसमस के मैरी क्रिसमस के लिए बच्चों के लिए अलग रखी थी ड्रेसेस, कि बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाया जाएगा। ये क्रिसमस केक है, और ये है गरम सोल,
ठंडी है वैसे, ये आर्टिफिशियल शॉल है, लगेगी वुलन टाइप पहन रखा है, पर है ये बिल्कुल भी आर्टिफिशियल, पतला कपड़ा है। गुरुद्वारे में काम आ सकती है वैसे तो। मम्मी राधा रानी के लिए एयरिंग्स ले ली हमने बाली, और खाने पीने के लिए भी ले लिए नमकीन बिस्कुट, जो गेस्ट आएंगे तो उनके लिए सही रहेगा। और क्या क्या लेना है? अभी बहुत कुछ था जो कि मिल ही नहीं रहा, क्रिसमस का सामान इतना मिल रहा है ना कि अभी हमने लिया नहीं। गुरुद्वारे हुआ है, मंदिर हुआ है, और अब घर जा रहे हैं। मम्मी की जेब में एक रोटी पड़ी है, वो गाय को खिलानी है जाके, जो कि गाय अभी तक मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ। मंदिर के पास ना एक मंदिर और है, वहाँ पे गाय हमेशा बंदी रहती है, जो कि अभी मम्मी दे देगी। चलो मम्मी, मज़ा आ रहा होगा ठंडे ठंडे मौसम में, आपको ऐसा मौसम पसंद है? मम्मी को ना ठंडा मौसम बहुत पसंद है और मज़ा आता है मम्मी को। मम्मी कह रही मेरे से ना ये कोट पहना नहीं जा रहा क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है। मैंने कहा मम्मी कोट कहाँ रखोगे, फिर उतार भी दिया तो। या चलो अब गाय आ गई, गाय रोटी खिलाओ। गैया ने खा ली आपकी रोटी, चलिए देवी मम्मी के बाद धो के गाय मिल भी गई और रोटी खा भी गई। पता तुम्हें लड़की की हो, तो मम्मी डालना चाहिए ना ये वाला, बहुत डरते हो गाय से, बचपन का डर है। वृंदावन में जाके खिलाओ, मैंने वहाँ पे पेड़े खिलाए थे बचपन का। हाँ मम्मी को बचपन का डर है, मम्मी को ना गाय ने बहुत पटका था छोटे में, झाड़ झाड़ मारा था, मम्मी बच गई। अभी भी नहीं खाया ना तो बच्ची नहीं, बेहोश हो गई थी, बेहोश हो गई थी, बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी। मम्मी की कहानी है ना, मैं आपको इंडियन सुनाया करूँगी हरे कहानियाँ। मम्मी कल आपको वृंदावन की कहानी लगे सुन करो, आपने जो वृंदावन में कहानी की है ना छोटे में, वो वाली कहानी सुनाएंगे कल अपने यूट्यूब फैमिली को, जो पंडित जी के संग किया था हमने, फिर फैमिली बन गई थी हम मम्मी की। हो चलो कल बड़ी प्यारी सी कहानियाँ बनाएंगे, ठीक है? हम ब्रेड्स देख रहे थे कोई अच्छी पसंद आए, किशमिश वाली के ब्रेड है, बड़ी अच्छी ब्रेड है, हमने ली भी है। और ये क्रिसमस केक भी आ गए, ये भी पसंद कर रहे हैं, और इनमें से हमने लिए भी है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें थी। हमारी छोटी राधा के लिए, राधा रानी के लिए बिछुए देख रहे थे और कड़े देख रहे थे, हमने इनको दे दिया कि हमने इनको बुक करवा दिया कि ऐसे ऐसे बना देना और हम आके ले लेंगे, इन्होंने कहा ओके। और हमने इनको डिज़ाइन दे दिया कि इस टाइप का चाहिए हमें, कि हमारे लिए बनवा दो स्पेशली, और नए साल पे हम बनाएंगे उनको। और ये मैं और राधा रानी को हम लेंगे और बना देंगे, और उन्होंने हमें गिफ्ट दिया हमारी जान। हेलो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। और जैसे ही मैं एक गली पे मुड़ी ना, वहाँ पे सेंटा क्लॉज खड़ा हुआ था, मैंने जैसे ही कैमरा वीडियो ऑन करी, इतने मुँह दूसरे घर में घुस गए और मेरा वीडियो बन ही नहीं पाई उनके साथ, मैं उनके साथ बनाना चाहती थी, और एकदम ही वो दूसरे घर में घुस गए, और इतना सा फर्क था बस सेंटा क्लॉज और मेरा, बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। मैंने कहा इनके साथ वीडियो बनाऊंगी आज मैं, अरे यार दूसरे घर में चले गए, एक घर से निकले थे दूसरे घर में चले गए, फिर चले जा रहे थे मैं उनको देख रही थी, अरे यार। और मार्केट बड़ा अच्छा रहा, काफ़ी सामान लिया राजा रानी के लिए, और भी कुछ भी है, और इधर उधर दुकान गए थे, आपको बताया सिखाया मैंने, और मार्केट में बहुत अच्छा डेकोरेशन हो रखी है मेरी क्रिसमस की, बहुत अच्छा सब सज रखा है। एक ही शॉप है जो सबसे अच्छी सस्ती है हमारे यहाँ पे, उसकी मैंने थोड़ी सी ली है डेकोरेशन की, बहुत अच्छा लगा था। और मम्मी ने भी मस्ती करी यार, शॉपिंग करी, ये करी, और बहुत मज़ा आया। और कुकिंग करी थी आज, ग्लूटेन फ्री मोमोज बनाए थे, और मंदिर गए थे, शनि दुर्गी की पूजा की,
सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी ये ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग मेरा कल आएगा, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए भी वेट कीजिए जरूर और मेरी ब्लॉग एंड कर। राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, बाय बाय। मेरा ये ब्लॉग एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग का मेरा इंतजार। और क्या करो यार, अच्छा होता है। चलिए कल मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।